मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। पूरी आज़ादी दी गई है कि वो अपनी बात रख सकें, सच्चाई दिखा सकें, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अलग है। हमारे देश में मीडिया की कम, शासन प्रशासन की ज़्यादा चलती है। यहाँ पत्रकारों की आवाज़ों को दबा दिया जाता है और अगर वो फिर भी कुछ लिखते हैं या दिखाते हैं तो इस तरह की कानून व्यवस्था कड़ी की जाती है, मानो खबर नहीं दिखाया गया है, कोई अपराध किया गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल 29 मार्च को हाई स्कूल की संस्कृत की परीक्षा थी। 28 मार्च की रात को ही बलिया में प्रश्न पत्र व मिलती जुलती हल की हुई कॉपी वायरल हो गई। 29 मार्च की सुबह 6 बजे पत्रकार अजीत ओझा ने इसे तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजकर जांच की बात कही, तो वहीं 4 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। 10 बजे डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने फोन कर प्रश्न पत्र अपने व्हाट्सएप पर मांगा। पत्रकार ने वायरल पर्चा भी उन्हें भेज दिया। फिर भी वायरल प्रश्न पत्र से मिलते जुलते पेपर से ही परीक्षा करवा ली गई। इसी बीच 29 मार्च की रात अंग्रेजी का पेपर भी वायरल हो गया। इसकी खबर अखबार में छपी भी। 30 मार्च को सुबह करीब 9:30 बजे डीएम ने फोन कर अंग्रेजी का वायरल पेपर मांगा तो पत्रकार ने उन्हें फिर से व्हाट्सएप कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उनके मांगे जाने पर ही भेजे पेपर को वायरल करना बताते हुए पत्रकार अजीत ओझा व अन्य पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पूरे मामले में पत्रकार ने प्रशासन की मदद की थी। तो वही दूसरी घटना है मध्य प्रदेश के सीधी में विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट करना न सिर्फ युवक को महंगा पड़ा बल्कि पत्रकार भी पुलिस के लपेटे में आ गए। सीधी के नीरज कुंदेर नाट्य समिति के संचालक हैं, जिनके द्वारा थिएटर कलाकारों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नीरज पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर नाम बदलकर विधायक केदारनाथ को अपशब्द कहे, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज हुई और नीरज कुंदेर पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इसके बाद नीरज कुंदेर के समर्थन में सीधी के कुछ पत्रकार ने सिटी कोतवाली थाने के सामने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने पत्रकारों और नाट्यकर्मियों को जमकर पीटा और उनके साथ बदसलूकी की गई। पत्रकारों के कपड़े उतार कर उनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया। रात भर उन्हें थाने में रखकर मारपीट की गई और सुबह जमानत दे दी गई। पत्रकार के साथ पुलिस के इस व्यवहार की निंदा हो रही है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई को सही ठहराया है। इस तरह का दुर्व्यवहार करना उन पत्रकारों के साथ कहां तक सही है? क्या प्रशासन को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उन पत्रकारों को अर्धनग्न कर उनके साथ बदसलूकी करना कितना जायज है? पेपर लीक होने पर प्रशासन ने अपने गर्दन बचाने के लिए ऐसी कहानी गढ़ी कि नकल माफिया की करतूत उजागर करने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। सवाल है, अगर पत्रकार नकल माफिया से मिले होते तो प्रशासन को पर्चा लीक होने की सूचना कौन देता? या प्रशासन को सूचना देने की अपराध है?